स्वागत है आपका। नमस्ते भारत लगातार जारी है और अब बात पंजाब की कर लेते हैं। देखिए, चुनावी राज्य पंजाब में सियासत फिर गर्माने लगी है और इस बार मामला 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में गिरफ्तार लोगों को लाखों रुपए देने का है और ये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर उन उपद्रवियों के तांडव की याद अभी भी जहन में ताजा है। इन उपद्रवियों से किसानों ने भी किनारा किया और इन तस्वीरों को पूरे देश ने गलत माना था, लेकिन अब इस पर चुनावी राज्य पंजाब में सियासत हो रही है। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसकी शुरुआत की एक ट्वीट से। तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को मेरी सरकार के समर्थन को दोहराते हुए हमने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की वजह से गिरफ्तार किए गए 83 लोगों को मुआवजा देने का फैसला किया है। पंजाब के इन मुआवजों की यूरिया से चन्नी चुनाव में वोटों के खजाने खुलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन चन्नी के इस फैसले से केंद्र और पंजाब सरकार में तकरार तेज हो सकती है। ABP News, आपको रखे आगे।